बच्चन परिवार में फिर आया खुशी का मौका। माता पिता बने अभिषेक बच्चन के बहन और जीजा। जी हाँ, सही सुना आपने, बच्चन परिवार के साथ अब नया और नन्हा मेहमान जुड़ गया है। दरअसल कुणाल कपूर और नैना बच्चन ने सोमवार को अपने पहले बच्चे एक बेटे का स्वागत किया है। इस खुशी को एक्टर ने खुद अपने चाहने वालों के साथ शेयर किया है। कुणाल ने एक पोस्ट करते हुए अपने बेटे के इस दुनिया में आने की खबर सबको दी। कुणाल ने अपने पोस्ट में लिखा है, हमारे सभी शुभ चिंतकों के लिए नैना और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम एक खूबसूरत बच्चे के माता पिता बन गए हैं। हम भगवान को हम पर आशीर्वाद बनाए रखने के लिए धन्यवाद देते हैं। जैसे ही उन्होंने ये खबर शेयर की, कुणाल को उनके फैंस और फ्रेंड्स से बधाइयां मिलनी शुरू हो गईं। बता दें कि ये 2015 में नैना बच्चन ने कुणाल कपूर से शादी की थी। नैना अमिताभ बच्चन की भतीजी हैं। अजिताभ बच्चन के दामाद कुणाल कपूर जाने माने एक्टर हैं। 9 फरवरी 2015 में सेक्लिस आइसलैंड्स पर कुणाल कपूर से नैना बच्चन ने शादी की थी। इतना ही नहीं, कुणाल और नैना की शादी काफी प्राइवेटली की गई थी, जिसमें बेहद खास लोग ही शामिल हुए थे। बेहद कम लोग ही ये बात जानते हैं कि नैना बच्चन की चचेरी बहन श्वेता बच्चन नंदा ने ही नैना और कुणाल को मिलवाया था। साल 2012 में ही दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे। शादी के बाद एक इंटरव्यू के दौरान नैना ने बताया था कि वे लाइमलाइट से दूर ही रहना चाहती हैं, जिसके चलते उन्होंने अपनी शादी को प्राइवेट रखा। नैना ने कहा था, ऐसा हमने सोच समझ के नहीं किया था कि हम दोनों एक कपल के तौर पर लाइमलाइट से दूर रहेंगे। लाइमलाइट से दूर रहने की कोई वजह नहीं है, बस हम वो करते हैं जो हमें ज्यादा पसंद है। ये शायद उसी का नतीजा है कि हम लाइमलाइट से दूर हैं। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम बाहर नहीं जाते या फिर मजे नहीं करते। हम उन जगहों पर जानबूझकर जाना अवॉइड नहीं करते जहां फोटोज क्लिक होंगी। कुणाल ने बातचीत के दौरान ये भी बताया था कि उनका और नैना का रिश्ता कैसे आगे बढ़ा। उन्होंने बताया कि वह नैना से पहली बार एक फैशन शो में मिले थे। करण जौहर का फैशन शो था, लेकिन खबरों में छपा कि हम थिएटर वर्कशॉप में मिले थे, मगर ऐसा नहीं है। नैना वहां अपनी कजिन श्वेता बच्चन के साथ पहुंची थी। कुणाल कपूर ने आगे कहा, दरअसल मैं वहां एक रैंप वॉक के लिए आया था। मेरा शो खत्म हो गया था और मैं जा रहा था, लेकिन तभी करण जौहर से टकरा गया और उन्होंने मुझे शो के लिए रुकने को कहा। कहते हैं ना, सब वक्त का खेल है। चंद पलों की देरी होती तो हम दोनों की मुलाकात ना होती। अगले दिन हम दोनों को अलग अलग फ्लाइट से मुंबई वापस जाना था, मगर मैंने अपनी टिकट बदली और उसी फ्लाइट से गया जिसमें ये जा रही थी। बाकी तो अब सब पुरानी बातें हो गई हैं। नैना और कुणाल की शादी को 7 साल हो चुके हैं और हर बीते दिन के साथ दोनों का रिश्ता और मजबूत होता जा रहा है। कुणाल अक्सर नैना की तस्वीरें पोस्ट करते रहते हैं। इसके अलावा अगर वहीं वर्क फ्रेंड की बात करें तो कुणाल को आखिरी बार वेब सीरीज द एम्पायर में देखा गया था, जिसका प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ था। उन्होंने नेटफ्लिक्स की फिल्म अनकही कहानियां में भी अभिनय किया है। कुणाल आजा नचले और रंग दे बसंती जैसी मूवीज के लिए भी जाने जाते हैं।